साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच आओ महामाया, साडे घर विच शगना दा दिन आया, साडे घर विच शगना दा दिन आया। जय माता दी, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी दिनों में आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सब ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सब घर बैठे देख रहे होंगे वो अर्धकुंवारी प्रांगण का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि कल माता रानी के भवन में और अर्धकुंवारी पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली, जिसके चलते वहाँ का मौसम परिवर्तन हो गया और वहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। तो अगर आप आगामी दिनों में यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा लेकर आइएगा। अर्धकुंवारी पर वेटिंग समय की बात करें तो इस समय लगभग 24 घंटे का वेटिंग समय यहाँ पर चल रहा है। वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर, संख्या बढ़ता है तो वेटिंग समय भी बढ़ जाता है, संख्या कम होता है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। अब आपके समक्ष माता रानी के भवन का ये सुंदर नज़ारा, जिसके दर्शन आप सब घर बैठे कर रहे होंगे, तो हाथ जोड़कर माता रानी के भवन के दर्शन करिए। देख सकते हैं रात के समय माता रानी का भवन कितना प्यारा अद्भुत लगता है। जब भवन पर लाइटें जलती हैं तो माता रानी का पूरा भवन जगमगा उठता है। और आप सब जाकर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। अब आपके समक्ष जो नज़ारा है वो माता रानी के भवन का आज सुबह का नज़ारा है। देख लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला। कल यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही थी और आज देखिए आपको धूप देखने को मिल रहा होगा। ये सुंदर नज़ारा आप सबके समक्ष है माता रानी के भवन का, तो कमेंट में जाके जय माता दी ज़रूर लिखेगा और अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा कर दीजिएगा। अब आप सब श्रद्धालु घर बैठे हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन तीनों महादेवियों के दर्शन आप सभी श्रद्धालु घर बैठे कर रहे हैं, तो हाथ जोड़कर जय माता दी कहते रहिए और अपनी हाजिरी कमेंट के जरिए लगाते रहिए। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ट्रेन की। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर आप भी माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो भारतीय रेलवे द्वारा एक नए स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। ये ट्रेन उदयपुर सिटी से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली है। इसका ट्रेन नंबर है 0963, जो कि उदयपुर से ट्यूसडे यानी 19 मार्च 2024 को निकलेगी और 26 मार्च 2024 को निकलेगी। दो ट्रिप ये कंप्लीट करेगी। उसके बाद 09604, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेके उदयपुर सिटी के बीच चलेगी 21 मार्च 2024 को और 28 मार्च 2024 को। इसका दो ट्रिप रहने वाला है। इसके स्टॉपेज आप देख सकते हैं और यहाँ पर टाइमिंग्स भी दिया हुआ है। अगर आप ये PDF में चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे आके DM कर दीजिएगा। इस ट्रेन का पूरा शेड्यूल आप तक शेयर कर दिया जाएगा। बात की जाए इस स्पेशल ट्रेन के ऑनलाइन बुकिंग की, तो इसकी बुकिंग भी IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आपको IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है और अपना ट्रेन सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीपर में भी अवेलेबल है, AC में भी सीट अवेलेबल है। और यहाँ पर जैसे आप टैप करेंगे तो आपके सामने पूरा स्टेशन का लिस्ट आ जाएगा कि किस किस स्टेशन से होकर ये ट्रेन गुजरने वाली है। तो अगर आप इस स्टेशन से आना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन बुकिंग चाहिए, अपना सीट कंफर्म कराना है, तो आप जाके इस ट्रेनों में अपनी बुकिंग कर लीजिएगा। हमने आपको पूरा शेड्यूल शेयर कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे आके DM कर दीजिएगा, हम आपको इसका PDF भी शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एक नई जानकारी की। जैसा कि आप सब हमेशा पूछते रहते हैं कि हमें श्राइन बोर्ड में जॉब करना है तो हम वहाँ पे जॉब कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जो भी श्राइन बोर्ड द्वारा जॉब के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक नई वैकेंसी निकली है। आप आइएगा श्री माता वैष्णो देवी जी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट में टैप करना है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नई वैकेंसी निकली हुई है। इस पर आप टैप करेंगे तो पूरा नोटिस आ जाएगा कि इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये पूरा नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जो कि कॉमर्स ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। क्या क्या पूरा शेड्यूल है, किस तरह से आपको पेपर देना है, क्या इसका सिलेबस होगा, पर्सनल इंटरव्यू किस तरह से होगा, और इसका लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च 2024 तक है। कैसे आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, या फिर आप श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर आकर प्राप्त कर लीजिएगा।
अब बात कर ली जाए माता रानी की यात्रा से संबंधित वेदर अपडेट की, तो आपको बता दें कि देखिए माँ भगवती के दरबार में मौसम चंद मिनटों में बदलता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गूगल पे भी ऐसा दिखाया जा रहा था कि वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा, वेदर बदल जाएगा, आपको जो है वहाँ पर धूप देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि कल पूरी तरीके से वेदर चेंज हो गया, वहाँ पर बारिश हुई, आज हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो ऐसे में कोई भी वेदर की कन्फर्म जानकारी या कन्फर्मेशन देना ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं तो क्या कोई भी आपको ये बता नहीं सकता कन्फर्म करके, इसलिए आप रेगुलर में वीडियो को देखते रहिएगा, जो भी अपडेट होगा वो हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप माँ भगवती की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़ा लेकर जाइएगा और मेडिसिन भी रख लीजिएगा, जिससे कि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं बात करें अगर सुविधाओं की, तो इस समय माँ भगवती की अनुकम कृपा से हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालु को मिल जाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जिस हिसाब से आप अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी यात्रा को आप आगे लेकर जाएं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए श्रद्धालु के रौनक की संख्या की, तो देखिए अब बच्चों की जल्दी से जल्दी जो एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और अब माता रानी के दरबार में आपको ज़्यादा रौनक देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से अपना पूरा प्लान सेट करके जाइएगा, कोशिश करिएगा कि सेम डे यात्रा करिए, सेम डे वापस आ जाइए कटरा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और कटरा में आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको रूम्स, डॉर्मेट्रीज ये सब मिल जाएंगे। कोशिश करिए कि डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से बुकिंग कर लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको भवन पर किसी प्रकार से कोई रूम या डॉर्मेट्री लेना है तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँच जाइए सुबह के लगभग 5 बजे, वहाँ पर आपको पूरी तरीके से चांसेस मिल जाएंगे कि आपको बुकिंग सुपर मिल जाए। अगर वहाँ से भी आपको कोई बुकिंग नहीं मिलता है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है फ्री धर्मशाला का, जिसको कि हम निशुल्क धर्मशाला भी कहते हैं, फ्री अकोमोडेशन, जो कि भवन पर स्थित दुर्गा भवन में है, आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं, जो कि शाम को 7 बजे ओपन हो जाता है। और मनोकामना भोजनालय के जस्ट बगल में ही आपको फ्री अकोमोडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ पर भी जाके स्टे कर सकते हैं। माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड जरूर से ले लीजिएगा। RFID कार्ड के लिए आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और स्लिप ले जाके कटरा की जितने भी ऑफलाइन काउंटर से जहाँ से RFID कार्ड मिलता है वहाँ दिखा के RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं तो आप वहाँ पहुँच के अपना डिटेल बता के भी RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो में हमने आपको हर प्रकार की नई जानकारी शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, तो इंस्टाग्राम पे आगे पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट्स लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए जाएं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी ऐसे ही वीडियो में। आप जुड़ रही आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।